अस्सलाम वालेकुम, आईटी कंसल्टेंट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो आप मूवी बनाने के काम आती है, यानी कि आप घर में बैठे आप उसके ज़रिए मूवी बना सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम उस सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर उस सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करते हैं, तो फिर हम आगे देखते हैं कि वो कैसे मूवी का किरदार अदा करता है। लेट्स सी, पहले मैंने उस ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, ऑलरेडी मैंने वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसको दे दूंगा ताकि आप आसानी से वहाँ से भी आप ले सकें। तो उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहले विंडो एक्सपी के अंदर अवेलेबल थी और उसके बाद फिर विंडो 7 के अंदर, तो रफ्तन पर विंडो 8 के अंदर उन्होंने ये फंक्शनैलिटी जो है वो ख़त्म कर दी थी, यानी कि विंडो 7 से ये फंक्शनैलिटी उन्होंने ख़त्म थी। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लीजिए, ये देखें, हाँ जी। फिर रफ्ता रफ्ता जो है आगे इन्होंने एज ए रजिस्टर से करवा दिया है। तो चूँकि ये देखें, साइट मैंने ओपन की और इसको सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी सिस्टम के अंदर एज ए डाउनलोड किया हुआ है, तो वहीं से मैं इसको डाउनलोड करूँगा। अगर आपके पास विंडो 7, 8 या 10 है तो आप ये लिंक को क्लिक करेंगे, अगर आपके पास एक्सपी और विस्टा है तो आप इस लिंक को क्लिक करके जो है फाइल वो इंस्टॉल करेंगे। तो हम देखते हैं जो वो फाइल आपके सिस्टम के पास सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाती है तो वो कहाँ पे मौजूद होती है। तो चूँकि ये मेरा अकाउंट जो है वो मुबीन खान के नाम से है, तो चूँकि फिर हम इसके अंदर दाखिल होंगे मुबीन खान के फोल्डर के अंदर। तो यहाँ से जो डाउनलोड्स का फोल्डर आपको नज़र आ रहा है ये, तो यहाँ से हम यहाँ पे W का बटन प्रेस करके उस फाइल के आसानी के साथ पहुँच सकते हैं। तो ये वो फाइल हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे सबमिट रन का फंक्शन आ चुका है। और फिर इस रन के फंक्शन के साथ जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आता है जो अकाउंट के ज़रिए परमिशन मांगता है कि इसे इंस्टॉल करना है कि नहीं करना। तो हम इसे यस करते हैं तो ये फिर हमारे सामने नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाता है, नेक्स्ट। फिर यहाँ से फिर इसको नेक्स्ट करें, एक्सेप्ट करने के बाद, और फिर ये फ़ाइल की इंस्टॉलेशन के बारे में पूछ रहा है कि फ़ाइल कहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो ये आपके फाइल का नेम बता रहे हैं कि आपने ये फाइल का नाम रखा है एज ए टेक्स्ट आपके डिस्प्ले के लिए। तो ये डेस्कटॉप का आइकन भी आपके सामने डिस्प्ले करेगा और क्विक लॉन्च भी आपके सामने ये शो करेगा। नेक्स्ट के साथ जैसे हम इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ये सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गई तो आइकन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। खैर, चूँकि काफ़ी सारी फाइल्स हैं इसकी तो थोड़ा टाइम तो लेगा ये, तो देखते हैं अभी आगे क्या प्रोसीजर इसका, फाइनल स्टेप की तरफ जा रही है। फाइनल स्टेप की तरफ चला गया और फिर ये देखें, ये फिनिश का बटन आया हमारे सामने। और ये देखें, जैसे मैंने मतलब इसको इंस्टॉल किया तो ये मेरे मुझसे वैसे मांग रहा है लाइसेंस, ईमेल और रजिस्टर कोड। चूँकि मेरे पास वो चीज़ें नहीं है तो अब मसला ये है कि हम इसको कैसे यूज़ करें। मैं इसको लेटर पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको और बता दूँ, चूँकि अब यहाँ पे वीडियो तो आप बना लेंगे लेकिन जब आप इसको मूवी फाइनलाइज स्टेप की तरफ देके जाएंगे तो ये आपसे ईमेल और रजिस्टर कोड मांगेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मूवी बनाने के तरीके भी बता देता हूँ ताकि फिर हम लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, कैसे हम इस ईमेल को और ये जो रजिस्टर कोड है इसको फिनिश कर सकते हैं। देखते हैं, अच्छा ये अवेलेबल हमारे पास आइकन एज ए ऐड वीडियो और फोटोज़। अब इसके जरिए यहाँ पे ऐड वीडियो फोटोज़ क्लिक करके
आप यहाँ पे फोल्डर्स फिल्म जो पिक्चर्स हैं उसको तफसील दे सकते हैं, या जो वीडियो है आप उसको डिटेल के साथ यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, उसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, और फंक्शनैलिटी के लिए आप यहाँ पे भी काफ़ी सारे फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको लास्ट स्टेप की तरफ लेकर चलता हूँ, फिर नेक्स्ट आपको ये वीडियो बना के भी अब दिखाऊँगा कैसे वीडियो बनाते हैं। फिलहाल यही वीडियो जो है, ये जो वीडियो बेसिकली मैंने उन हजरात की बनाई है जो मतलब है कि मुश्किल में होते हैं को कैसे रजिस्टर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकें। तो ऑप्शन दो अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, आप जैसे फाइनलाइज करते हैं तो ये देखें पब्लिश मूवीज, या आप इसको पब्लिश मूवी पे क्लिक करते हैं या सेव मूवी पे क्लिक करते हैं, दोनों ऑप्शन में वो आपसे मांगता है कि ये रजिस्टर कोड। तो इसको कैसे हम करेंगे देखते हैं, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो वही चीज़ मेरे सामने डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ तो वही देखिए क्या करता है, मैंने इसे क्रॉस किया, इसको भी क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यानी कि डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, और फिर यहाँ से मैं कंप्यूटर्स के अंदर जा रहा हूँ, और कंप्यूटर के अंदर मैं यहाँ से सी ड्राइव के अंदर जाऊँगा, और यहाँ से मैं प्रोग्राम फाइल्स x86 के अंदर जाऊँगा। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी डिटेल आपको बता दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक फोल्डर अवेलेबल होगा जो कि फोल्डर होगा विंडो लाइव के नाम से, दो फोल्डर होंगे, एक विंडो लाइव के नाम से और एक विंडो मूवी मेकर के नाम से। आप फोल्डर लाइव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फोटो गैलरी पे क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर आप क्लिक करेंगे यहाँ से मूवी मेकर पे, और यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद आप इसको डेस्कटॉप पे शेयर कर देंगे। ये देख लीजिए, और ये डेस्कटॉप पे शेयर हो चुकी है। तो ये देखिए, अब जब मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो ये अभी देख लीजिए वो रजिस्टर कोड और ईमेल एड्रेस नहीं मांग रहा, ईमेल रजिस्टर कोड और ईमेल लाइसेंस ईमेल नहीं मांग रहा। तो आप आसानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके अंदर हम मूवी बनाते हैं, किस तरह बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।